श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास विठल विपुल बिहारिन दास, जय जय श्यामा, जय जय श्याम और जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो जैसा कि आप लोगों से वादा था हमारा कि आप लोगों को बिहारी जी ने कौन सी पोशाक धारण की हुई है उसके दर्शन, साथ साथ ठाकुर जी की पोशाक श्रृंगार और आज के छप्पन भोग और जो सेलिब्रेशन हमने स्पेशल लाइव रखा है आज, जिसको कि सेलिब्रेशन नहीं बोला है हमने लेकिन एक स्पेशल लाइव है उन लोगों के लिए भी जो पीड़ित हैं और उन लोगों के लिए सभी के लिए आज का क्या स्पेशल भोग होता है एवरीथिंग, तो उसको शेयर करते रहिए क्योंकि अब आप लोग दर्शन करोगे यहाँ से। सबसे पहले ये देखिए डेकोरेशन, जो बैलून्स डेकोरेशन हो रखी है और जो सुबह आपको चीज़ नहीं मिली थी देखने को वो मिलेगी। ऊपर लिख रहा है बंधनवान पे श्री कुंज बिहारी श्री हरदास मेरे बांके बिहारी। और यहाँ पे देखिए हैप्पी अक्षय तीज, तो जो आज का मेन सेलिब्रेशन है अक्षय तीज का वो चल रहा है। और ये छप्पन भोग ठाकुर जी का, और जो स्पेशल भोग होता है आज का वो है ये सत्तू के लड्डू का स्पेशल भोग। और ये सारा ना भोग लगवाने के बाद हमने यहाँ रखा है ताकि आप लोग दर्शन कर सकें। ये है चंदन के गोले, जो ब्रह्मांड रूपी सृष्टि रूपी ये चंदन के गोले जो ठाकुर जी के श्री चरणों में हम रखेंगे और उनके साथ आप दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी की पजेब के। वहाँ पर हमने एक पूरा सेटअप रखा है कि वो है क्या, वो है चरण पादुका पूजन, और चरण पादुका पूजन चलेगा तो आप लोग हमारे साथ शामिल होंगे। हमने पुष्प भी मंगाए हैं और गुलदस्ते भी सेटअप कर दिए हैं, और उसका सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि आप लोगों को सभी को जितने भी कोरोना पीड़ित हैं उन लोगों के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने नेबर्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, यानी जो आपके लिए स्ट्रेंजर्स हैं उनके लिए भी, पूरे वर्ल्ड के लिए, ब्रह्मांड के लिए, सृष्टि के लिए की चीज़ मांगनी है कि कैसे भी अब ये कोरोना जाए। और उसी के निमित्त हमने बिहारी जी के श्री चरणों में इतना सब कुछ सेटअप कर कर पूजन रखा है। और आप ये भी देख सकते हैं कि जो इस टाइम ठाकुर जी को पर्दा लगा हुआ है, यानी कि पर्दे के पीछे बांके बिहारी, और वो पर्दा भी मेरे बांके बिहारी ने बांके बिहारी को कवर कर रखा है। जय हो, बहुत अच्छी बात है। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरदास दुलारी। ये ठाकुर जी का छप्पन मुख के दर्शन आप लोग कर रहे हैं और अभी बस कुछ ही देर में हम पूजा स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक बार आपको मंदिर के दर्शन करा देते हैं कि कैसे मंदिर जो है वो खाली है, बिल्कुल बिल्कुल खाली है। मंदिर को ही आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि भक्त लोग अभी नहीं आ सकते हैं। तो सुना है तेरा दरबार मेरे बांके बिहारी, और मेरे बांके बिहारी का दरबार सच में सुना है, लेकिन मानसिक रूप से तो हम आप सभी मिलकर उनके दरबार को भर रहे हैं। इसलिए इसको शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा ताकि जितने लोग जुड़ेंगे वो सभी मानसिक रूप से यहाँ प्रेजेंट रहेंगे, उनकी प्रेजेंस लगेगी और वो बिहारी जी के श्री चरणों में नतमस्तक है। मैं अब आप लोगों को चीज़ें दिखा देता हूँ जो जाने वाली हैं। ये हैं ठाकुर जी के मुकटे, और यही बिहारी जी आज सिर्फ नीचे धारण करेंगे, अपने कमर पर बांधेंगे, और कमर के ऊपर बिहारी जी के कुछ भी नहीं होगा, फूल श्रृंगार और जो सोने का जो भी श्रृंगार बिहारी जी धारण करेंगे सिर्फ वो होगा। क्यों? उसके साथ लगेगा चंदन का लेप उनके श्री अंग पर। जी हाँ, चंदन का लेप लगेगा। और अब ये दोनों जा रहे हैं तो चंदन के लेप से ठाकुर जी के श्रीअंग को हम चमकाएंगे ठाकुर जी का, फिर उसके बाद वही चंदन का लेप प्रसादी रूप में मिलेगा भक्तों को। जी हाँ, क्योंकि वो जो चंदन है वो ब्रह्मांड रूपी, और हमारा जो मानना है कि उस ब्रह्मांड से, उस सृष्टि से जो कोला है, बिल्कुल जो आकार है वो ब्रह्मांड सृष्टि के आकार का है, पृथ्वी के आकार का है, और इसमें से कोरोना को निकालना है। तो पूजा स्टार्ट कर देते हैं, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो अब पूजा स्टार्ट करने के लिए अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे और यहाँ पर फिर से आप लोग एक बार दर्शन करेंगे। कुछ
ठाकुर जी धारण करेंगे और ये होती है बिहारी जी की चरण चौकी। यहाँ पर और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ठाकुर जी के श्री चरणों को कवर करके रखती है चरण चौकी। और यहाँ पर पूजा स्टार्ट करेंगे यस्तु यते श्रुतगणे निपुणे राजस्त्रं सम्पूज्यते प्रत्यये प्रणते क्रियाभि तं सर्वकर्मफलदं निजसेवकानां श्रीमद्बिहारी चरणं शरणं प्रपद्ये यं मानसे सुमतयो यतयो निधाय सत्योजौ सहृदया हृदयाङ्गकारं तं चन्द्रमण्डलनघावरदीप्यमानम् बिहारी चरणं शरणं प्रपद्ये येन क्षणेन समकार विपद्ययोगो ध्यानास्पदं सुगमितेन नुतेन विज्ञे तं तापवारण निवारण शङ्कुशाङ्गं श्रीमद्बिहारी चरणं शरणं प्रपद्ये यस्मै विधाय विधिना विधिनार्दाज्ञा पूजां विवेकवरदा वरदास्य भावा तं दक्ष लक्षण विलक्षण लक्षणाढ्यं श्रीमद्बिहारी चरणं शरणं प्रपद्ये यस्मात् स्वेत सतनामदनार मुख्या सिद्धिं समेयुर्बलं सकलाङ्ग तं शुद्ध बोध शुभ प्रद्य समृद्धि हेतु श्रीमद्बिहारी चरणं शरणं प्रपद्ये यस्य प्रबल वरदस्य प्रसाद तस्यातापत्रयापहरणं शरणं गतानं तं नील नीरजन भञ्जन भञ्जनाय श्रीमद्बिहारी चरणं शरणं प्रपद्ये यस्मिन् मनोजीवं भवति प्रसन्नम् खिन्नं कलेन्द्रगणमस्त दुःखं श्रीमद्बिहारी चरणं शरणं प्रपद्ये कृष्णपाद समितात् विषाद भक्ता वाञ्छा प्रदामयो पञ्च साग्या संसार सागर समुत्तरणे वहिष्ठ हे चिन्न चित्र चरित्र नमो नमस्ते प्राणीतम् यत् प्रेम्णा सुखमचिद्दिशेन्विदुषा पठेयो वा वक्त्या चलो चलो चेतासं नुजो अवे मुक्ता भोगान् विसृति चान्ते हरिपदम् यते श्वासनासा चले भक्ता चुत चरण चेता सुमनजो भुवे भोक्त्वा भोगान् विसर्जान्तिं हरिपदं श्रीमत्कुञ्ज विहारे श्रृणुभ्यो नमो नमः गुरु श्री राजाय नमः श्रीकुञ्ज विहारी। तो काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज के पूजन में और इस पूजन का तो सभी लोग जुड़े हैं और कोरोना पीड़ित के लिए ये पूजन है। दर्शन महोत्सव महामहोत्सव जिसे आकर भी पाकर के आप धन्य होते थे आज नहीं हो पा रहे हो तो उस मेला में हम आप सभी को इस डेली पे इस मोबाइल दर्शन के माध्यम से आपकी सेवा सुचारू रूप से बनाए हुए आप सभी लोग उसमें दर्शन करके धन्य के भागी होंगे। बिहारी लाल की जय जी महाराज की जय राधा रानी की जय। तो अभी मेन चीज रह गई है आप लोगों को दिखा देता हूँ ये बिहारी जी की बाजूबंद है ये बिहारी जी का बाजूबंद है धारण करवा दो तो इसके दर्शन करें। अब क्या चीज रह गया है अब रह गया है कि यहाँ पर फोन को रखेंगे और चलते हैं अंदर आज चरण दर्शन है तो पाजेब के ठाकुर जी की पाजेब और ये देखिए पाजेब यहाँ भी है ये भी पाजेब यहाँ ले लेते हैं और श्री चरणों पर यहाँ पर पुष्प रखकर जो चरण पादुका है
और ये भी श्रृंगार अभी बिहारी जी को धारण होगा और ये गुलदस्ते। तो यहाँ पर मैं रखूंगा फोन को और हम सभी लोग अंदर चलेंगे। और आज चरण दर्शन वाले दिन, दर्शन नहीं है तो क्या चरण स्पर्श तो मिलेंगे। तो ऐसे ही इसके साथ मैं चरण पादुका के साथ बिहारी जी के श्री चरणों में मैं रखूंगा, क्या बिहारी जी के श्री चरणों में चरण पादुका के साथ फोन को रखूंगा। तो प्लीज अपने मन की मनोकामना के साथ जरूर बोलिएगा कोरोना के लिए। और आप लोग यही संकल्प कीजिए कि एक एक पेड़ आप सभी लोग लगाएंगे, बिल्कुल एक एक पेड़ आप सबको लगाना है, ये संकल्प ले लीजिए। जब भी लॉकडाउन खुलेगा एक एक पेड़ आप सब लगाएंगे। और इसीलिए मैंने इतनी मेहनत जो की है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग यहाँ मानसिक रूप से आ सकें। पर फिर से रिपीट करूँगा, प्लीज़ 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 एक एक पेड़ ज़रूर लगाना है। और उसकी फ़ोटो मेरे बांके बैरी, जो हमारा भक्त परिवार का जो ग्रुप है फेसबुक ग्रुप मेरे बांके बैरी, उसमें शेयर करनी है, ताकि लोग देख सकें, लोग जान सकें कि आपने कितना अच्छा चीज़ की है। और भी लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा इसके लिए। तो अब यहां से हम चलते हैं ठाकुर जी के श्री चरणों में दर्शन करने के साथ, यहां फ़ोन को रख के। लेकिन पहले एक बार और दर्शन कर लीजिए, क्योंकि फिर ये मौका मिले ना मिले। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बरसाने वाली राधा रानी की जय, स्वामी जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। और हम बिहारी जी के श्री चरणों पर पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर इस पुष्प के ज़रिए फ़ोन को श्री चरणों पर मैं रखने वाला हूँ। और आप लोगों की जो भी मनोकामना है उसको प्लीज़ बोलिए, और कोरोना के लिए ज़रूर बोलना, ताकि बहुत जो विपदा आई है वो दूर हो सके। पर मैं एक बार जब रख दूँगा तब मैं बता दूँगा आप लोगों को। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। अब बिहारी जी के श्री चरणों पे आप लोग प्रणाम करिए और अपनी अर्जी लगाइए, जो भी आपकी मनोकामना है। ओम यस्तु यते शुद्धिगणे निपुणैर जस्त्रम संपूज्यते क्रतुगते प्रणते क्रियाभिः तं सर्वकर्म फलदं निजसेवकानां श्रीमद् बिहारी चरणं शरणं प्रपद्ये। यम मानसे सुमत यते निधाय हो साहु जहु सर्ध्यर्ध्यांधकारं तं चंद्रमंडल नखावली दीपमानं श्रीमद् बिहारी चरणं शरणं प्रपद्ये। ये निक्षण समकारी विबद्ध योगो ध्यानस्पदम सुगमित नूतन विज्ञान तापवारण निवारण सांकुशांकम श्रीमद बिहारी चरणम शरणम प्रपद्ये। यस्मात् सुखे कसदनारी मुख्य सिद्धिम संतुराम सकला। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। और अब हम बाहर आ चुके हैं ठाकुर जी के श्री चरणों से होकर। आप लोगों की जो मनोकामना है वो आप लोगों ने बोली, क्योंकि वहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू भी हो गया था, इसलिए हमको जल्दी आना पड़ा। और अब ये सेटअप लगा हुआ है, और अब यही सारी चीज़ें ठाकुर जी की अंदर उनको जाएंगी। ये माला जिसके आप लोग दर्शन कर रहे हैं, ये श्रृंगार, ये चरण चौकी जो भक्तों द्वारा बिहारी जी को अर्पण की जाती है, ये भी चरण चौकी है बिहारी जी की, और ये भी चरण चौकी, ये सारी अंदर जाएंगी। और ये ठाकुर जी के चंदन का लड्डू जो एक हम ले गए हैं, और ब्रह्मांड रूपी सृष्टि रूपी उसी में है। और ये देखिए जो घी है, ये इनसे सेवा होगी बिहारी जी के अंदर, जो दीप प्रज्वलित होते हैं इन्हीं घी को डालकर गाय का शुद्ध घी मंगाकर ही पूजा अर्चना की जाती है, और बिहारी जी का श्रृंगार होता है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, एक लाइव सेशन यहाँ पर विराम देंगे। लेकिन उससे पहले क्यों ना आप लोगों को थोड़े से दर्शन मंदिर के कराए जाएँ, भ्रमण, जो आप लोग भ्रमण करें हमारे साथ मंदिर के। बट यहाँ पर फिर से वापस आएंगे ब्रेक के साथ। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। ये ठाकुर जी का भोग जा रहा है। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरदास दुलारी। तो ये हम आ चुके हैं यहाँ गिरिराज जी पर, और पर्दा हमने लगवा दिया है ताकि सारी चीज़ें सेटअप हो सकें अब इजीली। और यहाँ से हम दर्शन करेंगे सीधा गणेश जी महाराज के। जय हो गणपत गणेश, काटो कलेश। अब सच में बहुत ज़रूरत है कि आप ये कष्ट दूर करें, ये कलेश जो पूरे संसार में फैली हुई है इसको दूर करें। और यहाँ से हम आनंद लेंगे फिर से ठाकुर जी की चौखट का। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।
और यहाँ से हम चलते हैं ऊपर स्वामी हरदास जी से मिलने, उनसे भी अक्षय तीज की बधाई उनको देने, उनसे आशीर्वाद लेने, वो भी ज़रूरी है। तो चलते हैं ऊपर और ऊपर से मंदिर का एक नज़ारा भी देखेंगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ कि काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। और भी इसको शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग देख सकें, आनंद ले सकें। और इसके साथ साथ मेरे बांके बारी फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो आएंगे और आप और हम मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। आहा, ये देखिए जी, कुछ इसी तरह बिहारी जी के श्रीअंग पर चंदन लगेगा। यहाँ तो बिहारी जी के मुखारबिंद पे भी लगाए। ओ हो हो, यहाँ पहले प्रणाम करेंगे श्री चरणों में। और यहाँ भी देखिए, विट्ठल विपुल जी को भी रंग दिया है आज अक्षय तीज के पावन पर्व पर, उनको भी चंदन में रंग दिया। ओ हो हो, बड़े सुंदर दर्शन। जय हो स्वामी जी महाराज की, जय हो। और अब जो अनोखे दर्शन हैं, ना ना ना, उससे पहले यहाँ जगन्नाथ जी, गोस्वामी जगन्नाथ जी को भी प्रणाम करेंगे। और अब जो अनोखे दर्शन हैं, वो यहाँ से सीधे ठाकुर जी के, ये देखिए जी। ओ हो हो, आज तो स्वामी हरदास जी ने दर्शन दिए हैं अद्भुत। ये देखिए, चंदन का लेप उनके सारे पूरे श्रीअंग पर है, उनके हर जगह चंदन का लेप ही है, क्योंकि आज चंदन का दिन है, आज अक्षय तृतीया है, आज चरण दर्शन है। और ब्रह्मांड रूपी चंदन के गोले को हम ठाकुर जी के श्री चरणों में रखते हैं, ये उनकी कृपा पाने के लिए। तो यहाँ इतने अद्भुत अनोखे दर्शन आप कर रहे हैं। और फिर से मैं रिपीट करूँगा, प्लीज़ 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 प्रण ले लीजिए, संकल्प ले लीजिए कि एक एक पेड़ आप लोग ज़रूर लगाएंगे। अगर आपने पहले लगा दिया है कोई बात नहीं, अब एक और लगाएंगे, आप एक और नया पेड़ लगाएंगे और उसकी देखरेख भी करेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि पौधा लगा दिया हमने और हमने छोड़ दिया, नहीं, उसकी देखरेख भी करेंगे कि उसको पनपने में टाइम लगता है, तो हमें उसको जल देना है, हमें उसको चीज़ें देनी है, हमें उसका ध्यान रखना है, केयर करनी है, ये सबसे ज़रूरी है। तो एक एक पेड़ ज़रूर लगाएंगे और मेरे बांके बारी फेसबुक ग्रुप में शेयर करेंगे फ़ोटो। और मेरे बांके बारी जो पेज जिसे हम लाइव आए हैं, इसको फॉलो करना ना मत भूलिएगा, क्योंकि अभी कल के फूल बंगले के दर्शन और आगे भी दर्शन तो हम करेंगे ही, लेकिन जैसे जैसे कोई भी फेस्टिवल आएगा उसका आनंद भी तो हमको लेना है। बिहारी जी मंदिर से सीधा, तो यहाँ से गिरिराज जी के दर्शन करते हुए हम सीधे ऊपर चल रहे हैं और वापस ठाकुर जी की चौखट पर देखते हैं जी क्या अरेंजमेंट हो रखा है, कितनी चीज़ें अंदर चली गई हैं या वैसे ही लगा हुआ है। तो फिर हम उसके बाद लाइव सेशन को विराम भी देंगे, पहले लेकिन यहाँ पर दर्शन कर लेते हैं मेरे बार के बिहार। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, 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 कुंज बिहारी श्री हरदास। तो मिलेंगे फिर आप लोगों से जल्दी, इंस्टाग्राम से भी मैं लाइव आऊँगा, यूट्यूब से सुबह आया था लाइव, तो सुबह के दर्शन भी कर सकते हैं, इसको भी अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे, वहाँ भी देख सकते हैं। तो वापस से जुड़ेंगे आप लोगों के साथ। जय बिहारी जी की, श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। अब मैं जाता हूँ ठाकुर जी की सेवा करने के लिए, क्योंकि उसी के लिए तो जन्म लिया है, उसी के लिए तो यहाँ आए हैं, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन ठाकुर जी की सेवा कंपैरिजन ही नहीं है उसका। तो आप सभी को फिर से कहूँगा बहुत बहुत बधाई हो, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको अक्षय तीज की बांके बारी मंदिर से, और बिहारी जी की तरफ से ढेर सारा आप सभी को आशीर्वाद, ढेर सारा आशीर्वाद है, बहुत सारा भर के। और चरण के पास जब हमने चरण पे फोन रखा था, जो आपने मनोकामना की है उसको पूर्ण होंगी, सभी के लिए हमने प्रे किया, फिर से एक बार प्रे करेंगे। प्लीज़ 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 बिहारी जी, जल्दी से ये कोरोना को दूर करो, ताकि सुचारू रूप से ना सभी भक्त आ सके। अभी यहाँ पर चहल पहल नहीं, बल्कि धूम मच रही होती, धूम मच रही होती जी बिल्कुल यहाँ पर। और हैप्पी अक्षय तीज को देखने के लिए लोगों को आना पड़ता, और आते लोग भक्त हैं वो आते, आज भी खोल दीजिए वो आ जाएंगे, लेकिन अभी जो कंडीशन है उसके हिसाब से तो लॉकडाउन है और बंद है, कोई दिक्कत नहीं। अब मिलते हैं फिर आपसे। जय बिहारी जी की, श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।